फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो एक टॉपिक है दोस्तों, ये यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे सब जगह उठाया जा रहा है कि बीएसएससी में 2016 के छात्रों का हो रहा, यानी पूरा विरोध लोग कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट से इन लोगों को हटाया जाना चाहिए। ठीक है, क्या यह मांग उचित है या अनुचित? पहले मामला क्या था, फॉर्म कब फिलअप किया गया और उस पर बात करते हैं, उसके बाद मैं इस पर निरपेक्ष भाव से इस पर हम कुछ बोलना चाहेंगे ना। तो हम 2016 वाले के विरोध में कुछ बात करेंगे ना, 2014 के फेवर में। ठीक है, जो वास्तविकता है उस पर मैं बात करूँगा। हाँ, आज़ादी 2016 के छात्रों का, उसके बाद मेरे बोलने के बाद लगता है कि हाँ, उनका विरोध किया जाना चाहिए तो विरोध कीजिए, और यदि वो विरोध करने लायक नहीं है तो ना कीजिए। ठीक है, तो 2014 में ये फॉर्म आया था पहले। ठीक है, एग्ज़ाम टलटे गया और 2016 में फिर कुछ स्टूडेंट को उम्र में छूट देकर फॉर्म इसी में भरवा के इसी वैकेंसी में ऐड कर दिया जाता है, है ना। अब विरोध क्या है, यदि अब एग्ज़ाम कंडक्ट करने का तो बीएसएससी का कोई पारदर्शिता नहीं है, या फिर कोई भी एसएससी का है तो उसका एक अपना टर्म एंड कंडीशन होता है कि विभाग इसमें कुछ जोड़ तोड़ करेगी तो उसके टर्म एंड कंडीशन में होता है। तो इस आधार पर यदि वो जोड़ दिया गया तो गलत नहीं है। यदि लगा था कि 2014 वाले स्टूडेंट को गलत है, तो जिस वक्त 2016 में ये फॉर्म फिलअप करके इसमें ऐड किया जा रहा था, मैं मानता हूँ उस वक्त विरोध होना चाहिए था। अभी विरोध उचित नहीं है, लेकिन अभी विरोध हो रहा है तो उसका कारण कुछ और है, और उस कारण पे यदि विरोध हो रहा तो मानूंगा मैं 100% वो सही है कि आप विरोध कीजिए। ठीक है ना। अब विरोध का कारण ये हो रहा है ना कि 2016 वाले स्टूडेंट को जोड़कर इसी में ज़्यादा धांधली हुआ है, इसी में स्टूडेंट का जो है सीट ज़्यादा बुकिंग है। यदि इस प्रकार का ये अफवाह यदि सही है तब आप विरोध कर सकते हैं, और ये बीएसएससी ने इसको जोड़कर उनके हक को दिया है। ठीक है, तो उस स्थिति में आप विरोध नहीं कर सकते हैं, उचित नहीं है। यदि आप विरोध कर रहे हैं तो ये आपकी स्वार्थता होगी, लेकिन इन बैच वालों में 2016 जो जुड़े हैं इन्हीं में ज़्यादा धांधली हुआ है, इसी में सेटिक बेटिक ज़्यादा हुआ है, तब आप पुरजोर विरोध करके इनको हटा सकते हैं, है ना। तो है ना, ये उचित लगता है तो, है ना, यदि गलती है तब आप विरोध कर सकते हैं। ऐसे यदि आप हटाने की मांग कर रहे हैं तो ये सही नहीं। सही होता उस वक्त जब जोड़ा गया था उसी वक्त आप इसका पूरा विरोध करते, फॉर्म भरने से रोकते, तब सही होता। ऐसे यदि अभी आप मांग कर रहे हैं, यदि इसमें स्टूडेंट फेर हैं, तो आप विरोध करके हटाना मैं नहीं मानता हूं कि उचित है। ठीक है, आप आंदोलन कीजिए, जो भी कीजिए, यदि गलत है तो आंदोलन करके ज़रूर हटाइए। जहां पे फेर है, उचित है, सत्य है, वहां पे मैं किसी के विरोध नहीं जाऊँगा। सिर्फ सत्य का उजागर करना ही हमारा चैनल का रही है, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा मैं उस पर ज़रूर बोलूँगा, लेकिन जहां पे फेयरनेस है वहां पे कुछ नहीं। और गलत है तो ज़रूर आप कीजिए आंदोलन, जितना भी करना है, हो हल्ला सोशल साइट पे, यूट्यूब पे, ये पे, वो पे कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, यदि वीडियो सही लग रहा हो, बेहतर लग रहा है, तो ग्रुप में आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है ना, धन्यवाद।